ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बीजेपी ने बेमेतरा की तीनों विधानसभा से जीत दर्ज की है। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तीनों विधानसभा क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत के साथ जिले की बेमेतरा, साजा और नवागढ़ विधानसभा में भाजपा की जीत से पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी की जीत, बीजेपी नेता योगेश तिवारी ने कहा, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद व कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जिले की तीनों विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिलने से लोगों में मोदी के प्रति विश्वास और बढ़ा है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है। और हमारे साथ लगातार संघर्ष के हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्ता का लगातार मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत में आगे बढ़ चढ़ काम किए और हमारी क्षेत्र की जनता भी साथ लगातार बहुत ही कम समय में हमको यहाँ से जय हासिल करवाने में लगातार लगी रही, जिसका परिणाम है आज न केवल बेमेतरा बल्कि साजा और नवागढ़ में जीत हासिल। ये जो जीत मिला है पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के आशीर्वाद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता बंधुओं के और मतदाताओं के आशीर्वाद से ये जो जीत मिला है, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ हमारे मीडिया के सभी साथियों को। आप लोगों का भी सहयोग मुझे मिला, उसके लिए मैं आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में क्या देखा जाए? आने वाले समय में हमारे सरकार बन रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से। भारतीय जनता पार्टी मैं बहुत बहुत आभार करीब प्रणाम करता हूँ, जो इस गरीब परिवार के बेटा ला इस योग्य समझी जो इतने बड़े साझा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बने, पहले मैं प्रणाम करता हूँ। और ओकर साथ साथ हमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मल्ला जितना जुड़े हुए और साथ साथ साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता मल्ला भाजपा कार्यकर्ता मल्ला भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो इस गरीब परिवार के साथ में प्रचार में साथ दी से और यहाँ तक कि मोर इस मुकाम में पहुँचे, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। और तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रणाम करता हूँ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।